मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप टिकट की प्रबल दावेदार थी पर आपको टिकट नहीं मिली, आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने लगातार 10 साल तक पार्टी की बड़ी निष्ठा से सेवा की है, चाहे जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे ऊपर लगाई है मैंने उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया है। जनता का सहयोग एक आशीर्वाद लगातार बनके मेरे ऊपर निकल कर आया है और मेरा मन दो दिन से आहत है, परेशान है और इसमें समर्थक भी और यहाँ के लोग भी मुझसे हर माध्यम से संपर्क साधे हुए हैं और वो मेरे साथ जुड़कर चलना चाहते हैं। तो मैं ये निर्णय अपनी करनाल की इस जनता पर छोड़ती हूँ। जहाँ मैं शादी कर आई थी, एक बहू के तौर पर आई थी और इनके प्रेम प्यार ने मुझे बेटी बना दिया और बेटी बनकर इस परिवार में मैं इतना रम गई, रच गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ मेरा धर्म का परिवार है और कहाँ मेरा कर्म का परिवार है। और इसमें इतने तालमेल में जो लोगों का प्रेम प्यार मिला है उसके ऊपर मैं ये फैसला छोड़ती हूँ। और जहाँ लोग मुझे पूरी तरह से, मुझे लगता है, प्यार करते हैं और 8 तारीख को अपने समर्थकों के बीच, अपने विधानसभा के बीच बैठकर मैं ये निर्णय लूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और उनके ही चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपका निर्णय मेरे प्रति हो, यदि आप सच्चे भाव से करेंगे तो मैं उस पर आज भी, मेरे समर्थक, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे तो मैं पूरी निष्ठा से उसे निभाऊंगी। आपकी आवाज़ में वो दर्द और आँखों में वो आंसू भी झलक रहे हैं। दर्द ऐसा है, कभी भी मैंने ऊपरी काम नहीं किया है, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है कि मैं ऊपर से कुछ और दिखूं और अंदर से कुछ और दिखूं। जो मेरे मन के अंदर होता है वो मेरे चेहरे पर होता है और जब मेरे चेहरे पर मुस्कान मेरी करनाल की जनता ने लेकर आई तो मैंने एक भी दिन अपने दर्द को उस मुस्कान से के ऊपर हावी नहीं होने दिया। पर आज जब जनता मुझे चाहती है इस बात के लिए तो ये दर्द चेहरे पर फैसला बिल्कुल। काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं आप। कोई बात मैम, क्या लगता है किस आधार पर दी गई है टिकट्स? मैरिट के आधार पर नहीं दी गई जैसा आपने पोस्ट किया? आज मैं बहुत ज़्यादा चर्चा